एनिलिडिया के बारे में पढ़ेंगे आज। और करेक्टरिस्टिक्स को देखा जाए तो एनिलिडिया की बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, इसमें थ्री लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, एक्टो, मीजो एंड एंडो। एंडो क्या है, इनर लेयर एंड एक्टो आउटर एंड मीजो मिडल लेयर। ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन होती है इसमें, और इसके बाद जो बॉडी होती है उसमें सिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, रिस्पायरेशन इसमें बॉडी के थ्रू होती है, और नेफ्रिडिया स्ट्रक्चर या ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं एक्सक्रीशन के लिए, वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने के लिए, और वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, लाइक इसमें डोर्सल वेंट्रल नर्व्स प्रेजेंट होती हैं, और डाइजेस्टिव सिस्टम लाइक माउथ, फेनेक्स, एसोफेगस एंड इंटेस्टाइन प्रेजेंट होती हैं। बॉडी कंटेन करती है हीमोग्लोबिन, जिसका कलर क्या होता है, रेड होता है। और रीजनरेशन क्या है, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टर है एनिलिड्स का, और सीटिया हेल्प करते हैं इनको मूवमेंट में। सीटिया क्या होते हैं, सीलिया लाइक स्ट्रक्चर बॉडी के साइड या सिगमेंट्स के साथ अटैच होते हैं, जो इनको सबसे सर्फिस के साथ अटैच करने में हेल्प करते हैं, और ये काइटिन के मिलकर बने होते हैं। उसके बाद जो है एनिलिड्स क्या है, हर्माफ्रोडाइट्स हैं, मतलब एक सेम इंडिविजुअल में मेल एंड फीमेल ऑर्गन दोनों प्रेजेंट होते हैं। रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, ए सेक्चुअली भी और सेक्चुअली भी, और अदर्स रिप्रोड्यूस सेक्चुअली। एंड इसमें एग्जांपल्स आती हैं अर्थ फॉर्म एंड लीचिस की। ये इसके स्ट्रक्चर को देखा जाए तो ये बॉडी कवरिंग आउटर एक्टोडर्म लेयर है, और उसके बाद ये मसल्स लेयर है जिसको हम मीजोडर्म कहते हैं, और डाइजेस्टिव ट्रैक के बाहर जो लेयर होती है उसको हम एंडोडर्म कहते हैं, और इन मीजो और एंडो के दरमियान ये वाइट जो स्ट्रक्चर है इसको सीटोस्लियम इसकी कैविटी कहते हैं। इसके सर्कुलेटरी सिस्टम को देखा जाए तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ये फाइव पेयर्स प्रेजेंट हैं किसके, एरोटिक आर्च के, और एज ए जो हार्ट एसेसरी हार्ट्स रोल प्ले करते हैं, इसमें डोर्सल वेंट्रल वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, इनसे ब्लड रिलीज होकर इनके अंदर जाता है। और डोर्सल वेसल्स क्या करती हैं, कैरी ब्लड फ्रॉम फ्रंट ऑफ द बॉडी, एंड वेंट्रल कैरी ब्लड फ्रॉम बैक ऑफ द बॉडी, और ये इंटीरियर पार्ट है इसका, ये पोस्टीरियर पार्ट है। एक्सक्रीशन अब किसके थ्रू हो रही है, नेफ्रिडिया के थ्रू हो रही है, नेफ्रिडिया ऑर्गन है जिनके थ्रू एक्सक्रीशन होती है, और ये बॉडी सेगमेंट्स प्रेजेंट हैं, और ई सेगमेंट्स में टू से मोर नेफ्रिडिया प्रेजेंट होते हैं जिनके थ्रू एक्सक्रीशन होती है। ये ओवरऑल इसके स्ट्रक्चर को देखा जाए तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये एपिडर्मिस के आउटर कवरिंग और उसके ऊपर क्यूटिकल प्रेजेंट है जो इसको प्रोटेक्ट करती है एक्सटर्नल हार्म वगैरह से। और उसके बाद सर्कुलर मसल्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स प्रेजेंट हैं, सर्कुलर मसल्स हैं। लॉन्गिट्यूडनल मसल्स क्या करते हैं, इनको लोकोमोशन में मूवमेंट में हेल्प करते हैं, और लोकोमोशन के टाइम ये सर्कुलर मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो बॉडी आगे की तरफ मूव करती है, और लॉन्गिट्यूडनल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो बॉडी फ्लैट एंड शॉर्टेड हो जाती है। उसके बाद जो डोर्सल वेसल्स हैं ये उनका स्ट्रक्चर है, और ये वेंट्रल वेसल्स हैं, जैसे आपको अभी बताया डोर्सल फ्रंट से ब्लड कैरी करती हैं, और ये वेंट्रल किसकी तरफ ले जाती हैं, बैक की तरफ। और उसके बाद ये इंटेस्टाइन का पार्ट है, और नेफ्रिडोस्टोम ये क्या है, ये कंपाउंड हैं किसके, मेटानेफ्रीडियम ट्यूब्यूल्स के, जो पुश करती हैं वेस्ट पार्टिकल मटेरियल या हार्मोन्स वगैरह को इन ट्यूब्यूल्स के अंदर। और ये सिटिया प्रेजेंट हैं ये बॉडी के, ये देखें ये स्ट्रक्चर है इनके बॉडी के आउटर साइड पे प्रेजेंट होते हैं, ये इनको सरफेस के साथ अटैच करने में हेल्प देते हैं, और ये काइटिन के मिलकर बने होते हैं। नर्व कोर्स प्रेजेंट हैं, और उसके बाद ये सिप्टम प्रेजेंट हैं, ये सिगमेंट्स के दरमियान जो इनके पार्टीशन होती है, इसलिए लेयर को हम क्या कहते हैं, सिप्टम्स। और ये सिगमेंट्स की कैविटी, ये एनस वाला पार्ट जो लास्ट पर प्रेजेंट है। और अगर फ्रंट साइड से देखा जाए तो ये इसका माउथ है, माउथ के बाद ये पार्ट है सेरिब्रल गैंग्लिया का, इस सिंपल नर्वस सिस्टम होता है किसका, अर्थ फॉर्म का। और ये जो होलो शेप है इसको क्या कहते हैं, फेनेक्स। फूड माउथ से फेनेक्स में जाती है, फिर एसोफेगस में, एसोफेगस के बाद जाने में किस में जाती है, क्रोप में। क्रोप में जाता है तो फूड स्टोर होती है, फिर गिजर्ड में जाती है, गिजर्ड में फूड ग्रैंड होती है, और जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं उनको ग्रैंड कर देते हैं, और देन फूड किस में जाती है, इंटेस्टाइन में, इसमें एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन वगैरह होती है। ये पंपिंग वेसल्स के हैं, ये फाइव पेयर्स अरोटा प्रेजेंट हैं जो ब्लड को पुश करती हैं टू वर्ड द वेंट्रल एंड डोर्सल नर्व्स की तरफ, और ये वेंट्रल नर्व्स जो हैं विद सिगमेंटल गैंग्लिया इनके साथ अटैच होती हैं। उसके बाद अगर इनकी क्लासिफिकेशन को देखा जाए तो इसमें थ्री क्लासेस आती हैं, पॉलीकाइटिया एंड ओलिकोकाइटिया एंड होरिनिडिया। पॉलीकाइटिया की बात करेंगे तो इनकी बॉडी है इलोंगेट होती है, और इसके बाद इसमें भी सिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। इनका इन्वायरमेंट क्या है, मैरीन इन्वायरमेंट में ये रहते हैं ऑर्गेनिज्म। और बॉडी के में सिल्यूमेट कैविटी प्रेजेंट है, बायलैटरल इनकी सिमेट्री है, मतलब टू प्लेन्स में हम बॉडी को कट कर सकते हैं तो एक दूसरे का मिरर इमेज बनाएगी ऐसे। उसके बाद मेटानेफ्रीडिया एंड प्रोटोनेफ्रीडिया के थ्रू इनकी एक्सक्रीशन होती है ट्यूब्यूल्स के थ्रू, और उसके बाद फर्टिलाइजेशन इसमें एक्सटर्नल होती है। फर्टिलाइजेशन कहाँ होगी, एक्सटर्नल मतलब आउटसाइड ऑफ द बॉडी।
आउटर इन्वायरमेंट में, लाइक स्पेशली वाटर हैबिटेट होते हैं इसमें. वेल्ड वेल्प इसमें नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है, डोर्सल एंड वेंट्रल नर्व्स प्रेजेंट होती हैं इनमें वेसल्स. उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है इसमें, क्लोज सॉरी वेल्ड वेल्प नर्वस सिस्टम का क्या मतलब है, नर्व कोर्स प्रेजेंट है. और सर्कुलेटरी सिस्टम के में क्या है, डोर्सल वेंट्रल नर्व्स वगैरह क्लोज सिस्टम प्रेजेंट है. मतलब फाइव फरोटा से ब्लड कहाँ पे जाता है, क्लोज वेसल्स में जाता है. अदर्स ऑर्गेनिज्म में हमने क्या पढ़ा था कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम था, तो ओपन का क्या मतलब है, कहीं भी बॉडी में ब्लड मूव कर सकता है. बट इसमें क्या है, अरोटा से मूव करेगा ब्लड डोर्सल या वेंट्रल वेसल्स में. और हर्माफ्रोडाइट्स है मतलब एक ही इंडिविजुअल में बहुत ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं मेल एंड फीमेल के. फिनलाइक अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं इनमें, पैरापोडा जो इनको लोकोमोशन में हेल्प देते हैं. ये आउटर स्ट्रक्चर है. और इनरेसिस एंड सेबलिया इसकी एग्जांपल है, इनरेसिस है और ये सेबलिया है. इसके बाद ओलिगोकाइटी की बात की जाए तो ये मोस्टली फ्रेश वाटर है और टर्शियल ऑर्गेनिजम्स भी हैं, और इनकी बॉडी भी सिगमेंटेड है, हेडाइज एंड टेंटिकल्स इसमें प्रेजेंट नहीं होते. और हर्माफ्रोडाइट्स हैं, ये भी क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है इनमें, लाइक मेल एंड फीमेल गैमेट्स एक्सचेंज होते हैं और फ्यूज होते हैं. और फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है, कोकोन फॉर्मेशन अक्कर होती है. इनकी बॉडी के अंदर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर एग्स प्रेजेंट होते हैं. सी टी आर सिगमेंटेड हैं, ये सिगमेंट्स के साथ अटैच हुए होते हैं जो इनको सर्फेस के साथ अटैच में हेल्प करते हैं, और काइटन से मिलके बने होते हैं. पैरापोडा इनमें नहीं होता, बर्साइटिलियम इनमें प्रेजेंट होता है. ये थी ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर, यहाँ पे हेड के पार्ट के पास प्रेजेंट होता है. नॉन सिगमेंटेड होता है, ये वाला पार्ट नॉन सिगमेंटेड है. और ये क्या करता है, विस्किट सैक बनाता है लाइक कोकोन जिसमें एग्स प्रेजेंट होते हैं, फिर इसको पुश करके बाहर रिलीज होते हैं. उसके बाद क्या, ये भी मोनोइशियस हैं और इनमें लार्वा फ्री स्टेज नहीं होती. डेवलपमेंट कहाँ होती है, कोकोन के अंदर होती है. इसमें एग्जांपल्स आती हैं अर्थवर्म की. और थर्ड क्लास है हेरुडिनिया की बात की जाए तो ये फ्रेश वाटर हैबिटेट में भी रहती हैं और कुछ मेरीन और टर्शियल में भी रहती हैं और पैरासाइटिक भी हैं. मैनी स्टेल्स स्नेक्स एंड टर्टल एंड मैमल्स इवन के ह्यूमन पे भी. इनमें एग्जांपल किसकी आती है, लीच की. और इसके बाद इनके बॉडी भी सिगमेंटेड होती है. ये टेंटिकल्स पैरापोडन सीटी इनमें प्रेजेंट नहीं होते. और मोस्टली एनिमल्स भी क्या हैं, मोनोशियस हैं. डोर्सली वेंट्रली सिलेंड्रिकली ये क्या होते हैं, बिल्कुल फ्लैट होते हैं. एंटीरियर एंड पोस्टीरियर साइड पे उनके सकर्स प्रेजेंट होते हैं ऑन वेंट्रल साइड. और एग्स ले कहाँ करेंगे, ये भी उनको कौन सैक में ही एग ले करते हैं. नो लार्वा स्टेज में नहीं होती. और इसके बाद जो माउथ है वो वेंट्रली ये देखे नीचे की तरफ मुड़ा हुआ है. और इंटीरियर पार्ट पे भी सकर्स प्रेजेंट है. वाइल्ड अनस इज प्रेजेंट डोर्सली, यहाँ पे डोर्सली प्रेजेंट है. और यहाँ पे भी पोस्टीरियर पार्ट पे भी सकर्स प्रेजेंट, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर बोथ पार्ट्स पे. ये सकर्स क्या करते हैं, ये सक करते हैं ब्लड कहाँ से, अपने होस्ट से. फर्टिलाइजेशन इसमें क्या होती है, इंटरनल बॉडी के अंदर ही डेवलपमेंट होती है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस, फ्यूजन वगैरह. और उसके बाद हर्माफ्रोडाइट्स हैं, ये भी बहुत मेल एंड फीमेल सेक्सेस इसमें प्रेजेंट हैं. और इसमें एग्जाम्पल किसकी आती है, लीज की.